हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भीड़ हटाओ, कोरोना भगाओ, ये बड़ी मुहिम एबीपी न्यूज पर जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ चुकी है। आईसीएमआर ने जो नया डेटा रिलीज किया आपसे कुछ देर पहले, उसके मुताबिक 271 केस पॉजिटिव हो गए हैं कोरोना से। कोरोना वायरस से आज सुबह 10 बजे तक पूरे हिंदुस्तान में 271 व्यक्ति संक्रमित हैं, प्रभावित हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के इस आंकड़ों से साफ हो गया है तेजी से संख्या बढ़ती जा रही है। पहले 50 केस 9 दिन में आए, फिर 50 से 100 केस अगले 5 दिन में आए, और आप देख सकते हैं किस तरीके से ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अब एक दिन में ही 200 से 271, लगभग 71 केस एक दिन में आ गए हैं। तो कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए इस वक्त बहुत जरूरी है कि ये कम्युनिटी लेवल पर ना फैले। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि सामाजिक दूरी बना के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, और जनता कर्फ्यू में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, उसको सफल बनाएं। क्यों है एबीपी लाइव न्यूज लवर्स का फेवरेट? वर्क डेडलाइंस में भी स्टे अपडेटेड ऑलवेज, सो स्मार्ट कि ये करे सिर्फ ब्लू टिक वाली न्यूज पिक। जस्ट लाइक घर जैसा कंफर्ट है बेस्ट, वैसे ही अपनी लैंग्वेज में न्यूज की फील है लिट। एनी टाइम फूड डिलीवरी के टाइम पर मिलिए अपने फेवरेट एंकर से किसी भी टाइम। एबीपी लाइव ऐप के साथ रहो सबसे आगे। डाउनलोड नाउ। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ प्रधानमंत्री सीरीज 2, शनिवार रात 10 बजे।